छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के पोड़ी थाना अंतर्गत नागपुर चौकी के सीरियाई खो ग्राम में एक व्यक्ति के द्वारा एक महिला को रात के समय जान से मारने की धमकी देकर अपने साथ जबरदस्ती ले जाकर महिला का बलात्कार करने का आरोप लगा है। वहीं महिला को आरोपी व्यक्ति ने 3 दिन तक अपने साथ भी रखा और उसकी अस्मत के साथ खेलता रहा। पीड़ित महिला 3 बच्चों की माँ बताई जाती है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पोड़ी पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पोड़ी थाना के नागपुर चौकी के ग्राम सीरिया को में जहां एक महिला रात को अपने पति के लिए खाना देकर शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, उसी वक्त गांव का शुकलाल नाम का व्यक्ति महिला को जान से मारने की और डरा धमका कर अपने साथ ले गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की हवस अभी भी पूरी तरह नहीं भरी थी। आरोपी शुकलाल ने महिला को 3 दिन तक अपने साथ बंधक बनाए रखा और उसकी आबरू को लूटता रहा। आरोपी दिन में महिला को अपने साथ जंगल ले जाता और रात में घर वापस लेकर आता और अस्मत से खेलता रहता। किसी तरह महिला आरोपी के चंगुल से बचकर अपने घर पहुंची और अपने साथ हुई आपबीती घटना अपने पति को बताई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित महिला का पति अपनी पत्नी को लेकर पोड़ी थाना पहुंचकर घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शुकलाल के विरुद्ध मुकदमा कायम कर गिरफ्तार कर लिया और रिमांड पर भेजने की बात कर रही है। ऐसा है कि ग्राम सीरिया खोढ़ोड़ा पारा निवासी बिरजन पति कल्याण बैगा, इसको सीरिया खोढ़ोड़ा पारा के सुखलाल बैगा दिनांक 8/4/11 के रात में प्रार्थिया बिरजन अपने पति को खाना देकर शौच के लिए बाहर निकली थी, उसी समय पकड़ कर जबरन अपने घर ले गया और 3 दिन तक रखा रहा। दिन में जंगल की ओर ले जाता था, रात को अपने घर ले आता था और उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा कि प्रार्थिया द्वारा मौका पाकर कल दिनांक को अपने घर आई और वहां से अपने पति के साथ रिपोर्ट करने थाना आई कि थाना पौड़ी में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अपराध क्रमांक 37/18 धारा 376(2), 506, 343 ताजी राथिन का अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल आरोपी को बिना मौका दिए स्टाफ के साथ घेराबंदी कर पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया से धीरेन्द्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट।